सौ वर्ड है जुगाड़ क्योंकि घर के काम हो, बाहर के काम हो, या कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हम इंडियंस कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा करके उस काम को आसान कर ही लेते हैं। तो इसी बात पे आज मैं भी आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ घर के, गार्डन के और किचन के कुछ ऐसे टिप्स या हैक्स जिनको फॉलो करके हम अपने डेली रूटीन के काम को आसान कर सकते हैं और वो डेली ही हमारे काम में आने वाले हैं। कौन से हैक्स हैं वो जानने के लिए वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गर्मियों में पौधे आप चाहे इंडोर रखें या आउटडोर रखें, दोनों ही जगह पर पौधों की पत्तियों का जलना एक आम बात है। हो भी क्यों ना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बाहर वाले पौधों में तो हम दो टाइम मिस्ट कर सकते हैं, यानी कि इवनिंग में पानी दें और मॉर्निंग में आप उसमें मिस्ट कर दें। और जो इंडोर प्लांट होते हैं उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए, जिससे कि उनकी पत्तियाँ पीली ना पड़े, उनको अच्छे से शावर करना है इस तरीके से जैसे मैं करती हूँ। और पानी के अंदर अगर कोई भी प्लांट लगाए हुए ना, तो उनका डेली पानी चेंज करना है, क्योंकि पानी गर्म हो जाता है। आप किसी भी चीज़ के अंदर रखें और गर्मी में अगर आप पौधों में पानी वाले पौधे उगा रखें ना, तो क्या होता है कि वो गर्म हो जाता है और उसकी जड़ें जो होती हैं वो नुकसान देती हैं। डेली आप पानी चेंज करेंगे तो आपको मैंने दिखाई ना मनी प्लांट अपनी, उसमें नई पत्तियां निकल रही हैं नीचे से, तो ऐसे आपके प्लांट की ग्रोथ जो है वो बनी रहेगी। और ये देखिए, ये मेरा DIY वाला प्लांटर था, इसको मैं डायरेक्ट पानी के नीचे रखा है और इसमें पानी डाल रही हूँ, लेकिन इसका पानी, ये पेंट जो है वो ख़राब नहीं होगा, क्यों, मैंने आपके साथ में इससे पहले वाले वीडियो में शेयर किया था। अच्छा, ये तो होगी पौधों की शावरिंग की बात, डेली पानी देना है, डेली शावर करना है। अब इसकी ग्रोथ भी अच्छी बनी रहे, पौधों की पत्तियां जले ना, उसके लिए क्या करना है, मैंने लिया एक स्प्रे बॉटल में पूरे आधी बॉटल के करीबन पानी लिया और उसमें एक चौथाई चम्मच मैंने बेकिंग सोडा डाला है, उसको डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिया। और उसके बाद में अपने सारे पौधों के ऊपर, चाहे पानी वाले हैं चाहे मिट्टी वाले हैं, सबके ऊपर अच्छे से मैंने स्प्रे कर दिया। इस तरीके से ना पौधों की अच्छी ग्रोथ भी होगी, उनको हल्का हल्का न्यूट्रिएंट्स भी मिलता रहेगा, और अगर कोई कीड़ा लगा है ना तो वो भी नहीं रहेगा। तो ये वाली टिप्स ना पौधों में इंडोर और आउटडोर दोनों में आप फॉलो कर सकते हैं। आउटडोर प्लांट्स में अगर स्प्रे करेंगे तो रात के टाइम पर करिएगा, क्योंकि दिन में करने पर या मॉर्निंग के टाइम पर करने पर पौधे जलने का चांस रहेगा। अच्छा, इस तरीके की कांच की बॉटल अगर हम काउंटर टॉप पर रखते हैं, या फिर हमारा खलबट्टा जो होता है उसको हम काउंटर टॉप के ऊपर रखते हैं, तो क्या होता है, इसके टूटने का डर रहता है, क्योंकि कई बारी हम ज़ोर से रख देते हैं जल्दबाजी में, तो मेरा एक जग टूट चुका है एक्चुअली, तो मैं बता रही हूँ। और अगर हम खलबट्टा को इसी तरीके से इसके अंदर कुछ कूटते हैं ना, इस तरीके से करके, तो आवाज़ बहुत करता है। तो इन दोनों से बचने के लिए आप इन दोनों ही चीज़ों के नीचे, चाहे कांच की बॉटल हो या जग हो या फिर खलबट्टा हो, इस तरीके का आप छोटा सा कोस्टर ज़रूर बना करके लगाए, वो भी चाहे आप फैब्रिक का लगा सकते हैं, मैक्रमे का लगा सकते हैं, कपड़े से बना करके लगा सकते हैं, क्रोशिया से बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से रखने से ना, जब हम खलबट्टे से कूटते हैं, एक तो वो स्लिप नहीं हो सकता, दूसरी चीज़ इसमें आवाज़ भी थोड़ी सी कम आती है। और अगर इस तरीके से बॉटल के नीचे रखेंगे तो हमारी बॉटल के टूटने का चांस भी कम है, क्योंकि पहले मेरे पास ये नहीं था, उसके कारण से मैंने एक दिन जग रखा और वो टूट गया। अब तब जिस दिन वो टूटा उसी दिन बैठ करके मैंने ये बनाया है, तो इसका वीडियो मैंने आपके साथ में वैसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। मैक्रमे थ्रेड को बस बहुत गोल गोल घुमाना है, सिंपल सा है, और मैंने पिंक कलर के थ्रेड से इसमें जो सिलाई की थी उसकी वजह से ये डबल शेड में लग रहा है। सूजी, बेसन, मैदा या चने का आटा, चावल का आटा, इस तरह की चीज़ों को अगर हम ओपन रखते हैं तो उनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, क्योंकि उसके अंदर कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, स्पेशली मानसून में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये चीज़ें थोड़ी सी लॉन्ग शेल्फ लाइफ रहे इनकी, तो इनको पहली चीज़ तो एयर टाइट कंटेनर में रखना है। जैसे कि मेरे भी देखिए, बेसन और चने का आटा जो है, मैदा, सूजी जितनी भी रहती है, सब इसी तरीके के कंटेनर में रहती है। और दूसरी चीज़, मैं इसको रखती हूँ फ्रीज़र में, क्योंकि ये कम चीज़ मेरे घर में यूज़ में आती है, तो इसलिए मैं इनको फ्रीज़र में रखने से क्या रहता है कि ये काफ़ी पुराने भी होते हैं ना, तभी भी ये ख़राब नहीं होते, बस जब यूज़ करना होता है तभी निकालती हूँ। अगर आपको भी मेरी तरह डेकोरेटिव प्लांटर पसंद हैं, चाहे वो इंडोर लगाए हों या आउटडोर लगाए हों, तो मुझे पूरा विश्वास है आप उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांटर जो हैं वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, तो उसको आप
वॉल पुट्टी की जगह अगर आप मोल्डेड क्ले का यूज़ करके बनाएंगे ना, जैसे कि ये लास्ट वीडियो में मैंने आप सबके साथ में शेयर किया था, तो ये आपका एक तो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, दूसरा आपका प्लांटर की शेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी, ये सालों साल चल जाते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। अच्छा, प्लांट अच्छे रहे उसके लिए गर्मी में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, उसके लिए एक तरीका और है, प्लांट्स को शावरिंग तो हम डेली करते हैं, लेकिन जो उसके नीचे ड्रिप ट्रे होती है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उस ड्रिप ट्रे के अंदर थोड़ा सा पानी करके ज़रूर रखें इस तरीके से, तो नीचे के साइड से जो होल होते हैं ना, उसके होल के द्वारा आपके पौधे की मिट्टी में थोड़ी थोड़ी सी नमी बनी रहेगी, जिससे कि पौधे में अगर किसी दिन आप पानी देना भूल भी जाएं तो वो नमी की वजह से आपका पौधा मुरझाएगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। मैं भी इस वाले प्लांट में कभी कभी पानी देना भूल जाती हूँ, लेकिन पानी ऑलरेडी उसके नीचे रखा रहता है तो ये प्लांट हरा भरा और सुंदर बना रहता है। बहुत ही छोटी सी टिप है, लेकिन फॉलो करने पर फायदा जरूर होता है प्लांट्स को। कितना भी चाहो प्लास्टिक घर में ना आए, लेकिन चाहे अनचाहे प्लास्टिक घर में आ ही जाती है। काश ये प्लास्टिक बननी ही बंद हो जाए तो लोग खरीदना भी बंद कर देंगे, लेकिन ऐसा जब तक नहीं होता है तब तक मैं इसको किस तरीके से इस्तेमाल करती हूँ। गार्बेज बैग हम अलग से एक्स्ट्रा में प्लास्टिक के ही खरीदते हैं, तो मैं उसकी जगह इसका यूज़ करती हूँ, जिससे कि एक्स्ट्रा प्लास्टिक खरीदने से हम बच जाते हैं। पैसे तो सेव होते ही हैं, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होता है। दूसरा, अब इनको मैं रखने के लिए दिक्कत पड़ी आई, मैंने प्लास्टिक का ऑर्गेनाइज़र भी परचेज़ किया लेकिन वो काम नहीं किया बिल्कुल भी। इस तरीके से मैंने पैकेट में रखी लगा करके, तय लगा करके, लेकिन इतना टाइम किसके पास है कि प्लास्टिक की पॉलीथीन को 2 घंटे तक हम फोल्ड करके सहेज करके रखे, लेकिन जब उनकी ज़रूरत होती है तो फिर वो किसी काम में नहीं आती। तो मैंने इस डब्बे के अंदर रखी। अब ये डब्बा इतना छोटा है और प्लास्टिक की थैलियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि ये डब्बा भी छोटा पड़ गया, तो मैंने सोचा कि चलो बनाती हूँ एक ऑर्गेनाइज़र ऐसा कि जिसमें मेरी ढेर सारी प्लास्टिक की पॉलीथीन आ जाएं और रखी हुई ख़राब भी ना लगे। उसके लिए मैंने लिया है एक ये डब्बा, ये 2 किलो का है, काफ़ी बड़ा है। इस डब्बे का सबसे पहले तो मैंने रैपर निकाला और उसके बाद में इसका जो लिड है वो, उस लिड को मैंने थोड़ा सा कट किया, गैस के ऊपर मैंने नाइफ को गर्म किया और इस तरीके से कट किया। तो इसके लिए कोई इतना परफेक्शन नहीं चाहिए, हमें थोड़ी सी पॉलीथीन को निकालने के पर्पज़ से थोड़ा सा होल करना है, इतना बड़ा करना है कि हाथ भी डाल करके अगर हम निकालें तो इजीली निकल जाए, हमें ढक्कन ना खोलना पड़े, क्योंकि हम लोग इतने आलसी होते हैं ना कि कई बारी तो लिड खोलने की वजह, जब हम पॉलीथीन निकालते हैं ना तो लिड खोल तो लेते हैं लेकिन बंद नहीं करते, घर में कई फैमिली मेम्बर ऐसे होते भी हैं। तो बस इस तरीके से करके मैंने सारी पॉलीथीन इसके अंदर रख दी, ऊपर से यहाँ से खींच करके निकाल सकते हैं, लिड खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो इस पर स्प्रे पेंट वगैरह भी कर सकते हैं, मैंने तो एज इट इज़ रखा है। अब ये वाला हैक जो है वो बहुत ही छोटा सा है लेकिन काम का बड़ा है, बहुत ही सिंपल है, आपने देखा भी होगा मार्केट में मिलता है इस तरीके का। मैं क्या कर रही हूँ, इस तरीके से 5-6 मैंने जो ग्लो ड्राइंग पिन होती हैं उसके एक साइड में मैंने बारबेक्यू स्क्यूअर को गर्म करके उसके अंदर होल कर दिया। अब लिया एक हैंगर और ली जिप टाई, तो जिप टाई के अंदर अपनी जो ग्लो ड्राइंग क्लिप है इसके अंदर इस तरीके से फंसा करके जिप टाई से मैंने टाई कर दिया। अब बाकी जो एक्स्ट्रा रहेगी उसको हम कट कर देंगे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर जितनी भी पिन्स हैं उनको लगा दूंगी। अच्छा, अगर आप इस तरीके से खर्चा ना करना चाहें जिप टाई में, तो दूसरा तरीका ये है कि आप इसको सुई धागे की हेल्प से सिल सकते हैं या रबड़ बैंड लगा सकते हैं, होल के अंदर डाल करके रबड़ बैंड से टाई कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, जो आपको ज़्यादा इजी लगता है वैसे कर सकते हैं। तो मैंने एक तो जिप टाई से लगाया और बाकी मैंने सुई धागे की हेल्प से कर दिया है। अब ये एक ऐसा हैंगर बन गया, मैंने तो 5 लगाई हैं इसके अंदर, आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी लगा सकते हैं। ढेर सारे छोटे छोटे कपड़े यहाँ पर आसानी से हैंग करे जा सकते हैं और वो खोएंगे भी नहीं। यही अगर आप मार्केट से लेने जाएंगे तो 100-150 रुपये का तो मिलेगा ही, जो हमने घर पर फ्री में बना लिया। आजकल के लाइफस्टाइल में खाने में सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे पोषक तत्व होना मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे भी अगर खाने की बात करें तो खाने के मामले में फंसे होते हैं, स्पेशली अगर उनको दालें वगैरह खिलाना हो ना तो नाक मुंह चढ़ा लेते हैं। बीइंग अ मदर मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी डॉटर को हेल्दी खाना बना करके खिलाऊं जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों, और स्पेशली प्रोटीन की मात्रा जो है वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। डॉटर जो है वो दालें खानी उतनी पसंद नहीं करती है, लेकिन उसको किसी और फॉर्म में खिलाओ ना तो बड़ी खुश होकर के खा लेती है। तो मैं आज आपको बहुत ही सिंपल और इजी वाला लेकिन टेस्टी वाला एक
ब्रेकफास्ट बता रही हूँ, जो आप स्नैक्स के रूप में भी कभी भी खिला सकते हैं, ब्रेकफास्ट के रूप में भी खिला सकते हैं। हाई प्रोटीन होगा और अगर आप सुबह सुबह खाएंगे तो आपका आधे दिन के लिए बिल्कुल टमी फुल रहेगा, बच्चों को हेल्दी न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे और आपको भी सेटिस्फाइड रहेगा कि भाई बच्चे ने अच्छा खाया है कुछ। मैं अलग अलग तरह के स्प्राउट्स घर पर ही बनाती हूँ और आज भी मैंने बनाए हैं ये वाले मूंग दाल के, और इनको बनाना बहुत ही आसान है। दाल को भिगो देती हूँ और फिर कपड़े में बांध करके रख देती हूँ तो 24 घंटे के लिए। अगले दिन देखो ना तो बहुत अच्छे अंकुरित हो जाते हैं ये। तो इसमें क्या करना है, मैंने एक कटोरी के करीबन मूंग दाल ली है, ये जो स्प्राउट्स हैं उसके अंदर दो हरी मिर्च और थोड़ा अदरक का टुकड़ा डाला और उसको मैंने ग्राइंड कर लिया, बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लिया। अब उसके अंदर डाला मैंने धनिया, हरा धनिया चॉप करके, और अनियन डाली है मैंने लगभग 2 के करीबन, छोटी छोटी अनियन थी मेरे पास, और डाला है थोड़ा सा कड़ी पत्ता और थोड़ा सा नमक डाला है। इसको अच्छे से मिक्स किया और उसका बहुत ही कम तेल में मैंने यहाँ पर चीला बना दिया। अब इससे बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, उत्पम बना सकते हैं आप, अपम बना सकते हैं, चीला बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से बनाया है ये चीला, बहुत हेल्दी होता है, हरी चटनी टमाटो केचप के साथ में खा सकते हैं हम तो मॉर्निंग में। मैंने ब्लैक टी ली है विदाउट शुगर और अन्वेषा के लिए ठंडाई है। अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो इस ब्रेकफास्ट को तब भी फॉलो किया जा सकता है, हेल्दी भी है, न्यूट्रिएंट्स भी हैं इसके अंदर और बच्चों को भी पसंद आता है। जब भी हम लॉन्ड्री का काम करते हैं तो कपड़ों को स्मेल से बचाने के लिए, जैसे कि कपड़ों के अंदर स्मेल ना आए और एक अच्छी अच्छी खुशबू आए भीनी सी जब भी हम कपड़े वॉश करते हैं, और कपड़ों की जो टेक्सचर है या कपड़ों की जो क्वालिटी है वो भी वैसी की वैसी बनी रहे, उसके लिए हम फैब्रिक कंडीशनर का यूज़ करते हैं। जब भी डिटर्जेंट के साथ में यूज़ करना होता है तो फैब्रिक कंडीशनर और लिक्विड डिटर्जेंट ज़रूर यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है फैब्रिक कंडीशनर ख़त्म हो गया है तो आप उसको तुरंत से नहीं लेकर के आ पाते क्योंकि कभी भी मार्केट नहीं पास में होती, कभी हमारे पास उतना टाइम नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो घर पर इसको आसानी से बना सकते हैं। जस्ट आधा ग्लास आपने पानी लेना है, उसमें आधा कप के करीबन वाइट विनेगर लेना है और उसके बाद में आपको डालना है लगभग 2 से 3 चम्मच, कोई भी कंडीशनर डाल सकते हैं जो हेयर वॉश में यूज़ करते हैं, और उसको तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मिक्स करने के बाद में जहाँ पर भी आप कंडीशनर, आप फैब्रिक कंडीशनर डालते हैं ना, वहाँ पर इसको डाल दीजिए और अपनी मशीन को रन कर दीजिए, जैसे भी आप लॉन्ड्री का काम करते हैं। और आप देखेंगे जब आपके कपड़े वॉश होकर के निकलते हैं तो एक तो मैल को भी काटता है ये, दूसरा जो बैक्टीरिया वगैरह को मारता है, और उसके साथ ही साथ भीनी भीनी सी खुशबू आपके कपड़ों में देखने के लिए मिलेगी। आपने अगर इसे ट्राई नहीं किया तो ट्राई करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा इसका रिजल्ट। आप लोग अक्सर मुझसे मेरी एनर्जी का सीक्रेट पूछते हैं तो आज आपके साथ में रिवील कर रही हूँ। अगर आपको भी एनर्जी की कमी लगती है और आपको डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है तो ये वाला ड्रिंक ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक दिन से नहीं, रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने आधा नींबू का रस लिया है, इसमें 2 से 3 चम्मच गोंद कतीरा डाला है, गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हाइड्रेट रखता है बॉडी को, और 2-3 चम्मच ही मैंने डाले हैं चिया सीड्स जिनको मैंने रात को सोक कर दिया था। बस इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है तीनों चीज़ों के अंदर और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसको पीजिए रोज़, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको थोड़ा सा और टेस्ट बनाना है क्योंकि ये थोड़ा खट्टा सा लगेगा तो मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर जो मैंने रायता मसाला बनाया था उसकी रेसिपी भी आपके साथ में शेयर की थी, वो थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ तो थोड़ा सा चटपटा हो जाता है। और ये आपकी बॉडी के अंदर एक तो हाइड्रेट रखता है आपकी बॉडी को, एनर्जी देता है, आपका हार्ट हेल्थ अच्छा रखता है, और बहुत सारे बेनिफिट हैं। आप चाहें तो गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएंगे। सो दोस्तों, एक ग्रीन चिली को लेकर के भी टिप आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। अक्सर जब भी वेजिटेबल वगैरह आती है ना तो धनिया मिर्ची ज़रूर मिलती है, अब तो धनिया मिलता नहीं है वैसे, लेकिन हरी मिर्च तो मिल ही जाती है, और अगर उसको हम वॉश करके रखते हैं ना तो वो बहुत जल्दी सड़ जाती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी हरी मिर्च आती है ना घर के अंदर तो उसको इसी तरीके से रखती हूँ बिना वॉश किए, बस नीचे जस्ट मैं एक पेपर नैपकिन लगा देती हूँ, और डंठल सहित अगर हरी मिर्च को रखेंगे ना इस तरीके से करके तो आपकी जो ग्रीन चिलीज हैं वो बहुत लंबे समय तक अच्छे से रहेंगी और ना तो ये सड़ती हैं, ना काली पड़ती हैं, ना ये ख़राब होती हैं। ये भी 8-10 दिन पुरानी ग्रीन चिलीज हैं जो कि मैंने आज आपके साथ में ये शेयर की है, ऐसे ही रखती हूँ, कभी भी ख़राब नहीं होती। ट्राई करके देखिएगा ये वाली टिप को। दोस्तों, आज मैंने आप सबके साथ में शेयर की अपनी डेली लाइफ से जुड़े हुए कुछ ऐसे टिप्स या आइडियाज या हैक्स जिनको फॉलो करके हम अपनी डेली का काम कुछ हद तक आसान कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी टिप पसंद आई है ना आज के वीडियो में तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं या चैनल को पहले से देखते आ रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरीके वीडियो में आप सबके लिए लेकर के आती रहती हूँ।
आज का वीडियो इतना ही था, अच्छा लगा तो लाइक फिर से बोल रही हूँ जरूर करना। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।